फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवरथिंकिंग से कैसे बचा जाए। हम सब में ये प्रॉब्लम होती है, हम बैठे बैठे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं मेंटली, क्या क्या सोचने लग जाते हैं। कभी कभी बहुत पॉजिटिव भी सोचने लग जाते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी सोचने लग जाते हैं। ये हमारा मन बहुत अजीब सा है। हम जैसे आपने बचपन में सुने होंगे कि एक बंदा अंडे लेके जा रहा था, जाते जाते सोच रहा था कि ये अंडे को बेचूंगा, इतने पैसे आएंगे, उससे मैं और मुर्गी खरीदूंगा, वो और अंडे देगी, मैं और उनको भी बेच दूंगा, मेरे पास और ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। ऐसे सोचते सोचते वो जा रहा था, सोचते सोचते वो काफ़ी पैसे वाला हो गया था, लेकिन इतने में ही उसे टक्कर लगी, सब अंडे गिर गए और कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं हुआ। ये लेकिन था पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। उसी तरह नेगेटिव थिंकिंग भी होता है। उसने कल फ़ोन नहीं उठाया, ज़रूर वो किसी और के साथ था, वो मुझे क्यों अवॉइड कर रहा है, आजकल वो वैसे ही मुझे अवॉइड करता है या करती है, आजकल उसको अब मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा, अगर वो मेरे से ब्रेकअप कर लिया तो मैं तो मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ये नेगेटिव हम सोचते रहते हैं और पता चलता है कि बंदे की फ़ोन की बैटरी डाउन थी, इसलिए उसने फ़ोन नहीं किया था या फ़ोन नहीं उठाया था। तो इस तरह हम बेकार का सोच सोच के अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं और एक मतलब गलत दिशा में चले जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। और हाँ, इसी ओवरथिंकिंग के साथ ही मैं बोलूँगी, जो लोग पुरानी बातों को याद करके गोल गोल घूमते रहते हैं, अगर मैंने उसे फ्रेंडशिप नहीं की होती तो अफेयर नहीं होता, अफेयर नहीं होता तो रिलेशन नहीं बनता, रिलेशन नहीं बनता तो ब्रेकअप नहीं होता, हाय मैंने उसे फ्रेंडशिप क्यों की, या यूं ही पुरानी बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं। इन सब से बचने के लिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं, मेंटली पीसफुल एक रहना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा उपाय है। जब भी आपका मन ओवरथिंकिंग करने लग जाए, मतलब आप पॉजिटिव या नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाएं, या आपका मन पहले की बातों में भटकने लग जाए, अपने आप को याद दिला दीजिए कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपने पहले भी इसी तरह, जैसे कि सपोज़ करिए आपका मन नेगेटिव ही ज़्यादा जाता है, इंसान का मन, अगर आपका मन नेगेटिव जाने लग गया है कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ज़रूर वो किसी और के साथ है, ऐसे ऐसे करके आपके मन में खाली नेगेटिव्स ख्याल आ रहे हैं, अपने आप को याद दिलाइए कि पिछली बार भी जब आपने नेगेटिव सोचा था तो क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, एक मामूली सी कोई बात हुई थी, या जब आपने पॉजिटिव सोचा था तो पूरा प्लान ही फेल हो गया था, या आप पिछली बार जब अपनी हिस्ट्री को अपने पास्ट को याद करके रोए थे तो क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, आप सिर्फ दुखी हुए थे। इस तरह आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को, मतलब प्रीवियस जब आपने नेगेटिव या पॉजिटिव थिंकिंग की थी, या पहले जो आपने अपने पास्ट को याद करके दुखी हुए थे, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। पिछली बार जब आप नेगेटिव थिंकिंग किए थे तो क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, वैसा कुछ नहीं हुआ जो आपका मन सोच रहा था। इसलिए अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से रोकिए और अपने आप को जब भी आपका मन भटकने लगे, अपने आप को बोलिए कि पिछली बार भी तो मैं ऐसे ही सोच रहा था लेकिन कुछ तो नहीं हुआ था, तो क्या जरूरी है कि इस बार होगा, हो सकता है इस बार भी कुछ नहीं हो, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं फालतू का ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ठीक है थोड़ा पेशेंस रख लेता हूँ, थोड़ा टाइम ले लेता हूँ तो पता चलेगा कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसलिए अपने आप को डांटिए, अपने आप को समझाइए, अपने आप को याद दिलाइए कि ओवरथिंकिंग से कुछ नहीं होता है, पास्ट को याद करके कुछ नहीं होता है। इससे आपको मेंटल पीस मिलेगी और आप शांति से रह पाएंगे, खुशी खुशी रह पाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम का हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा और अपने इश्यूज़ हमें मेल करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।